हाची को एक ऐसा डॉग है जिसकी वफादारी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। जापान का ये कुत्ता अपने मालिक की मौत के बाद उनकी कब्र के पास 6 साल तक बैठा रहा। ये डॉग अपने मालिक के साथ रोज उनके दफ्तर जाता और आता था। हाचिको के मालिक का परिवार उसे वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो मालिक की कब्र से हटने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिर हाचिको भी अपनी अंतिम सांस तक वही मालिक की कब्र के पास बैठा रहा। ठीक ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है, जहां अपने मालिक की मौत के बाद कुत्ता पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही अपने मालिक का इंतजार बीते 4 महीनों से कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। कहते हैं कुत्ते से वफादार कोई जानवर नहीं होता। वफादारी की जब भी बात होती है, सबसे पहले कुत्तों की मिसाल दी जाती है। कुत्ता जब किसी से दोस्ती करता है तो उसे मरते दम तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी पर तेरी मेहरबानियां जैसी शानदार फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक कुत्ता अपने मालिक की मौत का बदला लेता है। ठीक वैसी ही जीती जागती कहानी हम आपको आज सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। केरल के कुन्नूर जिला अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर एक कुत्ता बैठा रहता है। इसका पुराना नाम क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अस्पताल के लोग अब इसे रामू नाम से बुलाते हैं। रामू लगभग 4 महीने पहले यहाँ आया था और अब सबका प्यारा बन गया है। लोगों ने बताया कि शुरू में रामू पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब लोगों ने ध्यान दिया तो पाया कि रामू पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही बैठा रहता है। वह वहां आने जाने वाले शव को देखता है और उनके पीछे चलता है, फिर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर गेट पर रुक जाता है। फिर पता चला कि ये किसी मरीज के साथ यहाँ आया था। मालिक की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो कुत्ता यहाँ गेट पर बैठ गया और तब से इसी गेट पर बैठा रहता है। खास बात यह है कि कभी भी पोस्टमार्टम हाउस के गेट के अंदर नहीं गया। लाश के आने जाने पर उसके पास जाकर ये देखता है कि ये उसकी मालिक की लाश है या नहीं, उसके बाद फिर वहीं बैठ जाता है। अस्पताल के परिचारक राजेश कुमार ने सबसे पहले लगभग 4 महीने पहले मुर्दा घर की ओर जाने वाले रैंप पर पड़े इस पालतू कुत्ते को देखा था। उन्होंने कहा, हमने पहले दिन कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने ध्यान दिया जब वह अगले दिनों में भी वहीं रहता पाया गया। जब हमने पूछताछ की तो लोगों ने हमें बताया कि वह एक मरीज के साथ अस्पताल आया था जिसकी अस्पताल में ही मौत हो गई थी, लेकिन वह व्यक्ति की पहचान करने में असमर्थ थे। 4 महीने पहले एक पेशेंट आए थे तो उनके साथ एक कुत्ता आया था, डॉग, तो वो उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। और फिर वो ये मॉर्चरी है, यहाँ पे मॉर्चरी का गेट है, तो मॉर्चरी के साथ में उस कुत्ते ने यहाँ से जाते हुए उनको देखा था, अपने मालिक को, और उसे ऐसा लगता है कि वो उनकी डेथ हो गई। और मॉर्चरी का गेट एक बाहर की तरफ भी है, तो बॉडी को उधर से ले जाया गया 4 महीने पहले। लेकिन उस कुत्ते को अभी भी ऐसा लगता है कि उसके मालिक अभी भी यहीं पे हैं, तो वो यहीं पे ही घूमता है, यहीं रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता है। और जब भी जाता है इस रैंप को देखता है, क्योंकि बॉडी यहाँ से ले जाते हुए उसने देखा था अंदर। ये गेट बंद हो जाता है जब कोई बॉडी आती है, तभी खुलता है। और बॉडी का मेन गेट बाहर, ये मॉर्चरी का मेन गेट बाहर की तरफ है, तो बॉडी बाहर से चली गई, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अभी भी उसके मालिक यहीं पे हैं। तो वो इतना अच्छा डॉगी है जो यहाँ पे है और 4 महीने से यहीं पे रहता है, यहीं रहनाता है, यहीं खाता है, सब कुछ यहीं करता है। राजेश ने बताया कि कुत्ते ने शुरुआती दिनों में खाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों के दिए गए बिस्किट और दूसरे खाने का सामान खाना शुरू कर दिया। अस्पताल और आसपास के लोगों की माने तो रामू दिन भर और रात भर पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर ही रहता है। वो ना तो खाने की तलाश में कहीं जाता है और ना ही दूसरे कुत्तों के झुंड में रहता है। लोगों ने बताया कि हालांकि रामू अक्सर पास के फिजियोथेरेपी विभाग की इमारत में जाता है, लेकिन रात में मुर्दा घर वापस आ जाता है। रामू सिर्फ लोगों के हाथों से दिए गए बिस्किट और ब्रेड ही खाता है। अस्पताल के ही डॉक्टर माया गोपाला कृष्णन को जब रामू के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खाने की व्यवस्था कराई। वह अंडा और मछली खाता है, लेकिन उसे चावल पसंद नहीं है। डॉक्टर माया ने ही इसका नाम रामू रखा है। डॉक्टर के मुताबिक कुन्नूर की एक महिला ने कुत्ते को गोद लेने के लिए अस्पताल से संपर्क किया है, लेकिन रामू अस्पताल को छोड़कर जाना नहीं चाहता।
वो आज भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगे दरवाजे को उम्मीद भरी नजरों से निहारता है और इंतजार करता है कि शायद उसका मालिक इसी दरवाजे से एक दिन वापस लौट आए। मगर अफसोस, इंसान का सबसे वफादार दोस्त ये ही बात नहीं समझ सकता कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। मरने वाले की इंसान में जब हम इंसान महीनों तक इस सदमे को भूल नहीं पाते, तो रामू तो एक जानवर है, वो भी सबसे वफादार जानवर। वो भला अपने मालिक का इंतजार करना कैसे छोड़ सकता है? ऐसा लगता है जैसे रामू भी जापान के हाचिको की तरह अस्पताल के बाहर ही अपनी अंतिम सांस तक अपने मालिक का इंतजार करेगा और अस्पताल के बाहर ही अपने मालिक की याद में दम तोड़ देगा। इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।